स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका देखिए क्या आंसर बनेगा। ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। बाकी के तीन है, प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, प्रगतिशील कर कहा जाता है। नेक्स्ट है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो ऑप्शन ए, निर्माता पर जोर देता है। नेक्स्ट है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था ऑप्शन सी, वर्ष 1945 में। अगला है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ऑप्शन ए, शेख मुबारक। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन सी, 1789 में हुई थी। अगला है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन बी, आनंद मठ से लिया गया है। अगला है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो ऑप्शन बी, एडिस। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए, आइसलैंड में होता है। नेक्स्ट है, जल आवरण किससे प्राप्त होता है? तो जल आवरण जो है वो कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलता क्या है? तो ऑप्शन ए, एक प्रेरक है। अगला है, क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी जो है ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता की यूनिट हो जाएगी। अगला है, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन सी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। अगला है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन सी, भारत में। अगला, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ऑप्शन सी, संतूर वादक। अगला, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है? तो ऑप्शन बी, ब्याज दरों में कमी। नेक्स्ट है, टेलीफोन एक्सचेंज का यहाँ क्या बनेंगे, द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, तिबादार पुरस्कार। अगला, स्कर्वी मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी, पोरला मार, वेनेजुएला। अगला है, झींगा यहाँ क्या बनेंगे, प्रजाति के अंतर्गत आता है, कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा। अगला है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो ऑप्शन सी, क्रोमियम ऑक्साइड। अगला, एलोरा की गुफाएं यहाँ क्या बनेंगे, में हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए, वर्ष 1971 ईस्वी में। अगला है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो केशिका क्रिया के सिद्धांत पर करता है।
अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला, टीपू सुल्तान को यहाँ क्या बोलेंगे, का शेर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, मैसूर का शेर कहा जाता है। अगला है, श्री अरविंदो का जन्म वर्ष में हुआ था, कब कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन सी, सन 1872। अगला है, APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन डी, भारत रत्न। अगला है, कोबे ब्रायंट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन बी, बास्केटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं। अगला है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा ने लिखा था। अगला, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो ऑप्शन बी, रामगंगा, यमुना और गोमती। अगला है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए, गंगा नदी को। अगला है, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी, हाजीपुर। अगला है, रुकुमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। अगला है, सुमेलित करना, एक में है नदी दूसरे में सहायक नदी और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि पहली गोमती नदी है, इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी? सई। टॉन्स का हो जाएगा बेलन, सोन का हो जाएगा कुन्हड़ और चंबल का हो जाएगा पार्वती। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद में स्थित है। अगला है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अब देखिए गाइस, अब हम लोग हिंदी के पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। का क्वेश्चन है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख जो है ऑप्शन ए, तद्भव शब्द हो जाएगा आपका। अगला, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी, आ प्रत्यय का। अगला है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना। अगला है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, कटक। बाकी के तीन है, घोड़ा, घोटक और है। अगला है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो यायावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक पद है, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ है ऑप्शन ए, संक्षेप। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है। ओके, काली क्या हो जाएगी? विशेषण। अगला, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए, बहाना ऋण। अगला, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। अगला है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो ऑप्शन सी, रीति काल का कवि माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन सी, आशीर्वाद। अगला है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो ऑप्शन ए, कर्म कारक।
अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो ऑप्शन सी अज्ञेय। नेक्स्ट है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? दोहा। अगला है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है, पुनः धन जन्म। अगला है शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन बी करुण रस का। नेक्स्ट है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अगला है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए 24 मात्राएं होती हैं। अगला है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए कुलीन। अगला है पापी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? पापी में विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार आपका राइट आंसर। अगला है बीजक जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी कबीर की रचना हो जाएगी बीजक। अगला है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी उदंत मार्तंड। अब हम लोग देख लेते हैं गाइस रीजनिंग के क्वेश्चंस। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, निर्देश है रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए प्रश्न संख्या 63 से 65 तक। ओके तो क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जैसे कि क्वेश्चन है 63वां और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए पन्ने मिलकर यहाँ पर दूसरे से पहला बनाते हैं, पन्ने मिलकर क्या बनाते हैं? पुस्तक बनाती हैं। उसी प्रकार बहुत से देश आपका आंसर हो जाएगा देश, देश मिलकर क्या बनाएंगे? महाद्वीप। अगला है JKLM का संबंध है IIII से, तरी 4 बार आई है तो PQRS का संबंध किससे होगा? तो कर लेते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं JKLM, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। J का कोड होता है 10, K का कितना होता है 11, L का होता है 12 और M का होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है? 4 बार आई बन रहा है। ओके तो इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, आई का होता है कोड 9, एक्चुअल में 9 लिख लीजिएगा। अब देखिए 10 से 9 बना आपका क्या हुआ? 1 घटा। 11 से 9 बना 2 घटा और 12 से 9 बन रहा है 3 घट रहा है और 13 से 9 बन रहा है 4 घट रहा। मतलब संख्या की वृद्धि होती जा रही घटने में। यही तरीका PQRS के लिए लगाएंगे, PQRS। तो देखिए P का कोड कितना होता है आपका? 16 होता है, Q का होता है 17, R का होता है 18 और S का होता है 19। पहले 1 घटाएंगे हम लोग, 16 में 1 घटाया 15 आया और 17 में 1 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। सॉरी अब 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि पीछे 2 घटाया था, 17 में 2 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब 18 में 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और 19 में 4 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। 15 किसका होता है? O का। तो चारों आपके O हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 4 का संबंध है 17 से, तो 7 का संबंध बताना है। तो 4 से 17 बनाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 17। यही तरीका 7 के लिए लगाएंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 50। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, जिसमें देखिए मैथ का क्वेश्चन है 0.12 × 12 × 0.012 का मान क्या होगा? तो कर लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग तीनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो हमको मिल जाता है 0.01728, ये हमें मिल जाता है। तीनों का मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा तो यही आपको मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है आपका अंडर रूट में है 2n बराबर 64, तो n का मान क्या होगा? तो लिख लेते हैं अंडर रूट के पावर है, अंडर रूट में क्या है 2n बराबर है 64। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर दिया
कर दिया गाइस, तो अब क्या करते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट स्क्वायर ना करके आप पहले इक्वेशन को उतार लीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप स्क्वायर ही गाइस कर लीजिएगा, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने पर हमें ये दो से अंडर रूट कट जाएगा, तो 2n = क्या आ जाएगा, 64 की पावर 2, ये आपका आ गया स्क्वायर करने पर, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है तभी n की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। ओके, तो देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो करके देख लीजिएगा, 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, फिर 2 × 2 × 2, 8 हो गया, 8 × 16, 16 × 32, फिर गुणा 2, 32 × 64, तो 2 की पावर 6 लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर n। तो आप आधार की तुलना कर सकते हैं, घातों की तुलना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा आपका। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3 के पावर 2, लिख लेते हैं 3 की पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 5 का मासा क्या होगा, मासा कैसे निकालते हैं। तो 4 संख्याएं दी गई हैं आपकी, तो चारों में एक संख्या कॉमन होनी चाहिए जो सेम हो सभी में, तो सभी में सेम हमें मिल रही है 3। ओके, तो आपका मासा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए अंडर रूट के अंदर है 36 × √81, अंडर रूट के ही अंदर, और है आगे क्वेश्चन की पावर 2 और डिवाइड बाई है 120, 120 हो गया आपका, और का 3/5 ये आपका दिया हुआ है। तो कर लेते हैं गाइस, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए अंडर रूट के अंदर है आपका 36, तो अंडर रूट के अंदर पहले हम 36 को बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकलेगा तो 6 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 81 है, 81 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 √9 आपका हो जाएगा, यहाँ से 6 √9 हो जाएगा। ओके, और 9 जो बाहर निकलेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 6 × 3, ये आपका इधर वाला हो गया सॉल्व। तो टोटल कितना आ गया यहाँ का, 18, ये आपका आ गया। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो 2 / 120 तो 120 हो जाएगा, का मतलब होता है 3/5, ये आपका हो गया। अब 3 से 120 काटते हैं, 3 × 12 40 बार कटा। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 × 40 कितना होता है, 4 × 20 = 120 होता है गाइस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, अंडर रूट में 3600, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3600 किसका होता है, 60 का होता है, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो इसका देखिए क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, बाकी के 3 हैं प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, प्रगतिशील कर कहा जाता है। नेक्स्ट है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। तो ऑप्शन ए, निर्माता पर जोर देता है। नेक्स्ट है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। तो ऑप्शन बी, मैक्स बेबर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो ये आया था ऑप्शन सी, वर्ष 1945 में। अगला है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे।
तो ऑप्शन ए शेख मुबारक। अगला है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी, ऑप्शन सी 1789 में हुई थी। अगला है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, तो ऑप्शन बी आनंद मठ से लिया गया है। अगला है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, तो ऑप्शन बी एडिस। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए आइसलैंड में होता है। नेक्स्ट है जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, तो जड़ आवरण जो है वो कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलता क्या है, तो ऑप्शन ए एक प्रेरक है। अगला है क्यूरी किसकी यूनिट है, क्यूरी जो है ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता की यूनिट हो जाएगी। अगला है नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन सी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट है अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। अगला है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, ऑप्शन सी भारत में। अगला शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो ऑप्शन सी संतूर वादक। अगला अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी ब्याज दरों में कमी। नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सचेंज का यहाँ क्या बनेंगे द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए तिबादार पुरस्कार। अगला स्कर्वी मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी पोरला मार वेनेजुएला। अगला है झींगा यहाँ क्या बनेंगे प्रजाति के अंतर्गत आता है, कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। अगला है कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है, तो ऑप्शन सी क्रोमियम ऑक्साइड। अगला एलोरा की गुफाएं यहाँ क्या बनेंगे में हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो बांग्लादेश का जन्म कब हुआ, ऑप्शन ए वर्ष 1971 ईस्वी में। अगला है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो केशिका क्रिया के सिद्धांत पर करता है। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन ए मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला टीपू सुल्तान को यहाँ क्या बनेंगे का शेर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए मैसूर का शेर कहा जाता है। अगला श्री अरविंदो का जन्म वर्ष में हुआ था, कब कौन से वर्ष में हुआ था, ऑप्शन सी 1872। अगला है APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ऑप्शन डी भारत रत्न। अगला है कोबे ब्रायंट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन बी बास्केटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं। अगला है पंचतंत्र को किसने लिखा था, पंचतंत्र को किसने लिखा था, तो ऑप्शन बी विष्णु शर्मा ने लिखा था। अगला उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए, तो ऑप्शन बी रामगंगा यमुना और गोमती। अगला है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो ऑप्शन ए गंगा नदी को। अगला है गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन डी हाजीपुर। अगला है रुकुमकोट के निकट से
निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन डी राप्ती नदी, ताप्ती नदी। अगला है सुमेलित करना, एक में है नदी दूसरे में सहायक नदी और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि पहली गोमती नदी है, इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी? सही। टॉन्स, टॉन्स का हो जाएगा बेलन, सोन का हो जाएगा कुन्हड़ और चंबल का हो जाएगा पार्वती। अगला उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो ऑप्शन सी इलाहाबाद में स्थित है। अगला है काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अब देखिए गाइस, अब हम लोग हिंदी के पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख जो है ऑप्शन ए तद्भव शब्द हो जाएगा आपका। अगला है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी आ प्रत्यय का। अगला है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना। अगला है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी कटक, बाकी के तीन है घोड़ा, घोटक और हय। अगला है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो यायावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक पद है बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ है ऑप्शन ए संक्षेप। नेक्स्ट है हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी मेरी गाय काली है। ओके, काली क्या हो जाएगी? विशेषण। अगला निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए बहाना ऋण। अगला किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। अगला है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो ऑप्शन सी रीति काल का कवि माना जाता है। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन सी आशीर्वाद। अगला है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो ऑप्शन ए कर्म कारक। अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो ऑप्शन सी अज्ञेय। नेक्स्ट है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? दोहा। अगला है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म। अगला है शोक किस रस का स्थाई भाव है? तो ऑप्शन बी करुण रस का। नेक्स्ट है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अगला है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए 24 मात्राएं होती हैं। अगला है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए कुलीन। अगला है पापी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? पापी में विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार आपका राइट आंसर। अगला है बीजक जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी कबीर की रचना हो जाएगी बीजक। अगला है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है?
तो ऑप्शन सी उदंत मार्तंड। अब हम लोग देख लेते हैं गाइस रीजनिंग के क्वेश्चंस। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, निर्देश है रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए प्रश्न संख्या 63 से 65 तक। ओके, तो क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जैसे कि क्वेश्चन है 63वां और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए पन्ने मिलकर यहाँ पर दूसरे से पहला बनाते हैं, पन्ने मिलकर क्या बनाते हैं, पुस्तक बनाती हैं। उसी प्रकार बहुत से देश, आपका आंसर हो जाएगा देश, देश मिलकर क्या बनाएंगे, महाद्वीप। अगला है JKLM का संबंध है III से, तरी 4 बार आई है, तो PQRS का संबंध किससे होगा, तो कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं JKLM, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। J का कोड होता है 10, K का कितना होता है 11, L का होता है 12 और M का होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है, 4 बार I बन रहा है। ओके, तो इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, I का होता है कोड 9, एक्चुअल में 9 लिख लीजिएगा। अब देखिए 10 से 9 बना आपका क्या हुआ, 1 घटा, 11 से 9 बना 2 घटा और 12 से 9 बन रहा है 3 घट रहा है और 13 से 9 बन रहा है 4 घट रहा, मतलब संख्या की वृद्धि होती जा रही घटने में। यही तरीका PQRS के लिए लगाएंगे, PQRS। तो देखिए P का कोड कितना होता है आपका, 16 होता है, Q का होता है 17, R का होता है 18 और S का होता है 19। पहले 1 घटाएंगे हम लोग, 16 में 1 घटाया 15 आया और 17 में 1 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, सॉरी अब 2 घटाना पड़ेगा क्योंकि पीछे 2 घटाया था, 17 में 2 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, अब 18 में 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और 19 में 4 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 15 किसका होता है, ओ का, तो चारों आपके ओ हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 4 का संबंध है 17 से, तो 7 का संबंध बताना है, तो 4 से 17 बनाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 17। यही तरीका 7 के लिए लगाएंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 50, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, जिसमें देखिए मैथ का क्वेश्चन है 0.12 × 12 × 0.012 का मान क्या होगा, तो कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग तीनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिल जाता है 0.01728, ये हमें मिल जाता है तीनों का मल्टीप्लाई करके, आप देख लीजिएगा तो यही आपको मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है आपका अंडर रूट में है 2n बराबर 64, तो n का मान क्या होगा, तो लिख लेते हैं अंडर रूट के पावर है, अंडर रूट में क्या है 2n बराबर है 64, तो क्या करते हैं दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर दिया गाइस, तो अब क्या करते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट स्क्वायर ना करके आप पहले इक्वेशन को उतार लीजिएगा, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप स्क्वायर ही गाइस कर लीजिएगा, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर हमें ये 2 से अंडर रूट कट जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64, ये आपका आ गया स्क्वायर करने पर, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है तभी एन की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। ओके, तो देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो करके देख लीजिएगा, 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, फिर 2 × 2 × 2, 8 हो गया, 8 × 16, 16 × 32, फिर गुणा 2, 32 × 64, तो 2 की पावर 6 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर n। तो आप आधार की तुलना कर सकते हैं, घातों की तुलना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा आपका। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है 3 की पावर 2 लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 3 × 3 की पावर 5 का मासा क्या होगा, मासा कैसे निकालते हैं, तो 4 संख्याएं दी गई हैं आपकी, तो चारों में एक संख्या कॉमन होनी चाहिए जो सेम हो सभी में, तो सभी में सेम हमें मिल रही है 3,
ओके, तो आपका मासा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए, अंडर रूट के अंदर है 36 गुणे अंडर रूट 81, अंडर रूट के ही अंदर, और है आगे क्वेश्चन की पावर 2 और डिवाइड बाई है 120, 120 हो गया आपका, और का 3/5 ये आपका दिया हुआ है। तो कर लेते हैं गाइस, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, अंडर रूट के अंदर है आपका 36, तो अंडर रूट के अंदर पहले हम 36 को बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकलेगा तो 6 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 81 है, 81 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 9 आपका हो जाएगा, यहाँ से 6 अंडर रूट 9 हो जाएगा। ओके, और 9 जो बाहर निकलेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 6 × 3, ये आपका इधर वाला हो गया सॉल्व। तो अब टोटल कितना आ गया यहाँ का, 18, ये आपका आ गया। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे भाग है तो 120 हो जाएगा। का मतलब होता है 3/5, ये आपका हो गया। अब 3 से 120 काटते हैं, 3 × 12 40 बार कटा। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 × 40 × 5 कितना होता है, 4×5 = 120, 120 होता है, होता है गाइस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, अंडर रूट में 3600, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3600 किसका होता है, 60 का होता है, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।